रुक यार सा गुजारदा है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। सुखद स्वागत है कुमार श्री आरके में, नमस्ते सभी को। एंड ये NMIMS इंटरव्यू मुंबई के एक्सपीरियंस की बात है। एंड मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं कब डालता हूँ, पर जब भी डालता हूँ एक्सपीरियंस है, फ़ायदा होगा ही। एंड जो प्रॉपर इंटरव्यू का जो एकदम बड़ा अच्छी तरह बढ़िया एकदम वाला एक्सपीरियंस होगा, मतलब ये एक्सपीरियंस है वो एक तरह समझ लो आप इंटरव्यू है, जो आपको चैनल मेंबर्स को मिल जाएगा। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लेना, नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद, ठीक है जी। एंड मैं बताया था NMIMS के एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा इंटरव्यू का। सो पहले तो वैट PI की बात कर लेते हैं। सो मेरा पैनल था 8:30 का एंड अराउंड 8:20-8:25 के आसपास शुरू हो गया था। हमें लिंक आ जाता है सेम डे सुबह अराउंड एक घंटे पहले, मेरे टाइम पे मुझे सुबह 7:21 पे लिंक आ गया था कि आपको इस लिंक से ज्वाइन करना है। एक बार आप लिंक ज्वाइन करते हो तो आपको सर डिटेल्स बताते हैं कॉलेज की, क्या प्रोसेस है। अच्छा हाँ, तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि क्या किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। सो 50% मार्क्स हैं NMAT के लिए, मतलब अगर आपको कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हो तो आपको किस बेस पे सिलेक्शन की जा रही है वो मतलब पार्ट समझ लो कि 50% बस में से NMAT है, 15% है VAT, 15% है PI, 80 हो गया जी, 10% है आपके एकेडमिक्स एंड 10% है आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो ये पूरा फुल टू क्राइटेरिया है NMIMS मुंबई के लिए। एंड होपिंग कि ऑल गोज गुड। सो एक बार आपको प्रोसेस समझा दिया जाता है तो उसके बाद अराउंड 9 बजे आपको कहा जाता है कि आपको लिंक नहीं छोड़ना है, मतलब एक बार आपने लिंक पर क्लिक कर दिया तो आपको वेट करनी है, अपने आप वो प्रोसेस होकर आपको ज्वाइन करवा देगा। सो एक बार ज्वाइन हो जाता है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दी जाती है कि आपको रूल्स बताए जाते हैं कि बैठ के कि आपको अराउंड 200-300 की वर्ड्स के बीच में लिखना है, आपके पास 20 मिनट्स है, आपको खुद ही एक लेडी होगी, आपको एक लेडी या फिर एक प्रॉक्टर होगा आपको गाइड करने के लिए कैसे कैसे करना है। तो मेरा एग्जैक्टली 9 बजे ये बातचीत शुरू हुई कि आप सबको अपना वीडियोस ऑन रखनी है, ऑडियोज ऑन रखनी है, जिस वक्त बैट चल रहा होगा आपको अपना ईयरफोन्स अनप्लग कर देने हैं, आपको प्लग करके नहीं पूरा इंटरव्यू का सेशन देना है। एंड उसके बाद प्रॉपर 20 मिनट्स का चला पूरा, मतलब उसमें क्या होता है एग्जैक्टली कोई कहीं भी टाइमर नहीं लिखा होता है या कहीं भी कोई भी वर्ड लिमिट नहीं लिखी आ रही होती है, तो आपको ये चीज़ पे ध्यान रखना है कि वो भी आपको बताएंगे कि नाउ इट्स, वो उन्होंने हमें 10 मिनट्स रिमेनिंग का मैसेज डाला था और 5 मिनट्स रिमेनिंग का उन्होंने कॉल आउट किया था कि 5 मिनट्स रिमेनिंग। एंड बच्चे भी अराउंड लाखरी के 1 या 2 मिनट में पूछ पूछते थे कि कितना बचा, क्योंकि उसमें क्या होता है वो लिंक एग्जैक्टली जब आप क्लिक कर दोगे उस पर तो उसके लिंक देने के अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट बाद वो लिंक एक्सपायर कर जाता है। सो अगर किसी का बाय चांस 20 मिनट के ऊपर होगा किसी भी रीज़न की वजह से, उसके वैट में 0 मार्क्स लगते हैं। जो 15% बताया ना मैंने वैट का, वो 15 यार ये सर नहीं बताया था हमें कि वो 15 में से ही विल गेट 0। अगर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, कोई ज़्यादा इश्यूज होते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर किसी रीज़न के तहत नहीं सबमिट होता है तो बाई डिफ़ॉल्ट वो 0 मार्क्स लगे जाएंगे वैट के कॉलम में, ठीक है जी। अब आप बात कर लेते हैं PI की। PI में क्या होता है, आपको 2 चीज़ें दी जाती है, एक आपको दिया जाता है ग्रुप नंबर एंड एक आपको दिया जाता है सीरियल नंबर। ग्रुप नंबर आपको लिखना होता है जब आपको वैट के लिए गूगल फॉर्म दिया जाता है, वहाँ पे आपको नेम, अपनी ईमेल आईडी, अपना ग्रुप नंबर लिखना होता है। अपना ग्रुप नंबर ध्यान से लिख देना, नहीं तो अगर ग्रुप नंबर नहीं दिया होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपना ग्रुप नंबर ध्यान से देख के लिख देना। 3 नंबर होता है अपना, लिख दिया अपना, नेक्स्ट करो अपना पूरा वैट लिख के सबमिट कर देना। मैंने तो अप्रॉक्सीमेटली 19 मिनट पर ही कर दिया सबमिट, क्योंकि कौन 20 मिनट की वेट कर एक सेकंड के। अब बात करते हैं PI की। सो PI में आपको सील नंबर दिया जाता है 4। सो सील नंबर देने का क्या फ़ायदा होता है, आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं टाइम कि इतने टाइम तक तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे के आसपास इंटरव्यू शुरू हुए हैं एंड मेरी टर्न आई है अराउंड 10:40, तो अराउंड 12-13 मिनट्स में मैक्सिमम इंटरव्यू सेशन हो रहे थे। मेरा खुद का इंटरव्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स में ख़त्म हो गए एंड इंटरव्यू काफ़ी क्रिस्प थे। मेरे टाइम पे देयर वर थ्री जेंटलमैन्स एंड ऑल अराउंड द एज ऑफ 45 एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लग रहे थे। एंड दे आस्क्ड मी जनरल क्वेश्चन लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, द न्यूज़ यू रेड एंड अबाउट द ग्लोबल इकोनमी, हाउ अबाउट माई मेनली अबाउट माई वर्क एक्सपीरियंस एंड दैट्स इट। तो आपको फुल इंटरव्यू की ये जो मैंने अभी जानकारी दी, अगर ये फुल डिटेल्ड में जाननी समझनी है तो आप चैनल मेंबर बन सकते हैं और आपको वो मिल जाएगा। जब तक ये वीडियो आएगी वो भी वीडियो आ जाएगी, तो आप चैनल मेंबर बन जाइए, चाहे एक महीने के लिए बन जाइए, बन के देखिए। अगर आपको लगता है कि जो मैं कंटेंट सिर्फ चैनल मेंबर्स के लिए डाल रहा हूँ, अगर आपको लगता है वो यूज़फुल कंटेंट है, कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो कैंसिल कर दीजिए। सिंपल है कि नहीं, प्रोसेस सिंपल है। एक महीना अराउंड 30 दिन का एक महीना होता है अप्रॉक्सीमेटली,
तो आप 29 डे पे कैंसिल कर दीजिए, या 30 डे सुबह कैंसिल कर देना, आपका अगले दिन रिन्यू नहीं होगा। सो इसी बेस पे हम एंड करते हैं वीडियो को, ज़्यादा मिनी 6.5 मिनट से ज़्यादा नहीं, बस बस खत्म। चलो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।